सीएम सिटी करनाल में आजकल धरने प्रदर्शनों का जोर है। आगे आने वाले समय में लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। इसी के चलते कई विभाग के कर्मचारी भी अपनी मांगों को मनवाने के चक्कर में धरना प्रदर्शन हड़ताल कर सरकारी सेवाओं को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण अस्पतालों में एम्बुलेंस मरीजों की सहायता के लिए सहायक सेवा बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर आंगनवाड़ी कर्मचारी अपनी मुख्य मांगों को लेकर मोर्चे पर डटे हुए हैं। लंबे समय तक चलने वाली हड़ताल के कारण सीएम के शहर में रहने वाले आम जन मानस का जीवन अस्त व्यस्त होता दिखाई पड़ रहा है। दो बार की मीटिंग है, वो फेल हो चुकी है। हमारी एकमात्र मांग जो मेन है वो सुरक्षा की है, क्योंकि आज 18 साल हो चुके हैं एनएचएम को, और हमारे पास ये सिक्योरिटी ही नहीं है कि 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा भी या नहीं। इतना टाइम अपना सर्विस में लगाने के बाद हमें नहीं कुछ भी पता कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है। एक इंसान अगर नौकरी में अपने इतने साल लगा रहा है तो उसको एक सुरक्षा तो मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। हम सरकार से सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जब तक एनएचएम चलेगा तब तक ये जो एम्प्लॉइज एनएचएम के हैं वो एनएचएम के एम्प्लॉइज रहेंगे, और जब भी कभी 5 साल 10 साल 15 50, क्योंकि इनका जो मोटिव है सरकार का, जिन्हें 18 साल में नहीं समझ में आया कि एक जो सुरक्षित स्वास्थ्य दिया जाना है उस जो प्रक्रिया को कॉन्टिन्यूशन में रखना चाहिए, तो 50 साल में शायद समझ में आ जाए, तो जब भी आएगा शायद हम लोग तब तक रहे ना रहे, पर जो आ रहे हैं लोग उनके लिए ये सुरक्षा रहे कि उनकी नौकरी बनी रहेगी और उनको हेल्थ डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया जाएगा। कितने दिन हो गए आपको प्रोटेस्ट करते हुए? सर आज 10वां दिन है। मैम, जैसे कि सीएम सिटी करनाल में आपके अलावा और भी आंगनवाड़ी हो गए या पेंशन वाले हो गए, और भी कई लोग धरने पर बैठे हुए हैं, सीएम सिटी एक अड्डा बनता जा रहा है धरने पर, ऐसा तो नहीं है कहीं के इलेक्शन नजदीक है तो अपनी मांगे मनवाने? नहीं सर, देखो हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, चाहे हम हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, चाहे रोडवेज के हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, चाहे आशा वर्कर्स है, हम कर्मचारी हैं। हमें किसी सरकारी जो ये इनकी राजनीतिक पार्टी है हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ दो वक्त की रोटी हमारी चाहिए, हमारे पीछे हमारे परिवार है जिसका भरण पोषण हम लोगों को करना है। तो इलेक्शन हो या जब इलेक्शन नहीं थे हमने तब भी स्ट्राइक की थी, हम अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक कर रहे हैं। अगली रणनीति क्या है? अगली रणनीति तो सर जो स्टेट की टीम है वो सेट करेगी, पर यही है कि जब तक सेवा सुरक्षा पर बात नहीं करी जाएगी तब तक स्ट्राइक नहीं टूटे। मैम, सेवाएं जो हॉस्पिटल की आप सेवाएं दे रहे थे वो प्रभावित हो रही है, चाहे एम्बुलेंस आ जाए, वो भी लोग काफी सर, उसके लिए मैं पूरी हरियाणा की जनता से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ कि अगर हमारे करके किसी को दिक्कत हो रही है, पर ये सरकार देखे ना कि हमारे करके दिक्कत हो रही है, वो तो कह रहे हैं कि इन कर्मचारियों की तो जरूरत ही नहीं है, फिर जब जरूरत नहीं है तो सेवाएं प्रभावित क्यों हो रही हैं? ये चीज समझे। आज किस तरह से प्रोटेस्ट किया है अभी आपने? सीएम साहब विदेश दौरे पर जा रहे हैं तो हम उनको दिखा रहे थे कि पीछे हरियाणा की जनता को इस तरह से बेहाल छोड़कर वो फ्लाइट कैसे ले सकते हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर लाए हैं। या हम जी, क्या नाम है जी आपका? इंदुकुरा। क्या है? मैं अकाउंटेंट सर। ठीक, धन्यवाद।